Good morning, SJTB student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS 9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बट जो स्वतंत्र भारत में राजनीति हमारा लेसन चल रहा है, कल हमने विकास की धारणाएं की थी, आज हम पढ़ेंगे कि अयोजना आयोग की अयोजना जो भारत में योजना आयोग की योजना आयोग क्या होता है. कहते कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी महसूस की गई थी. अब सामान्य तौर पर उद्योगपतियों और निजी निवेशकों को नियोजन का विरोधी माना जाता है, परंतु क्या भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था. अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में निजी निवेशकों ने और हमारे जो उद्योगपतियों का एक समूह संगठित हुआ, जिसने देश में क्या नियोजित विकास को संचालित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे कि बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है. बॉम्बे प्लान मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे प्लान क्या है. अब बॉम्बे प्लान में ये इच्छा जाहिर की थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कुछ क्या बड़े कदम उठाए और देश को नियोजित अर्थव्यवस्था प्रदान करके क्या विकास की गति को बढ़ाए. अब 1947 में बेटे क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जनता की निर्वाचित सरकार का ध्यान कर लोगों के विकास की ओर गया. उस समय देश में कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक बुराइयां थी, जैसे निर्धनता थी, प्रति व्यक्ति आय, जीवन का निम्न स्तर, बेरोजगारी आदि बड़े पैमाने पर व्याप्त थी. सरकार ने क्या संविधान में ये प्रण किया कि समाज के समस्त वर्गों को विकसित करके ऐसे समाज का निर्माण किया जाएगा जहां दुर्बल और सबल में कोई अंतर न हो और समस्त लोगों के पास क्या हो, रोजगार के साधन हो, खाने के लिए उन्हें भोजन मिले और निवास के लिए उन्हें मकान हो. और हमारी सरकार ये चाहती थी कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या सम्मान हो. तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या एक योजना आयोग बनाया गया था इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. अब कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोगों ने सार्वभौमिक विकास के नियोजन का आश्रय लिया और 15 मार्च 1950 में भारत सरकार ने क्या एक प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग स्थापित करने की घोषणा कर दी और 28 मार्च 1950 से योजना आयोग ने क्या अपना कार्य प्रारंभ कर दिया. अब देखो कि इसमें क्या एक वर्तमान समय में एक थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, योजना आयोग के क्या वो उपाध्यक्ष थे. जो भारत का प्रधानमंत्री वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और आहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे. आयोग का क्या एक स्थायी सचिव होता है जो कि मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है. अब योजना आयोग के कार्य कौन कौन से थे कि 1950 में जब सरकार के प्रस्ताव द्वारा आयोजना आयोग अस्तित्व में आया तो इसके निम्नलिखित कार्य प्रदान किए गए थे. फर्स्ट था इसमें देश में विद्यमान स्रोतों का प्रभावशाली और संतुलित प्रयोग करके क्या है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, योजना में क्या प्राथमिकता निर्धारण करना, राष्ट्रीय स्रोतों का अनुमान लगाना और उनके विषय प्रयोग के विषय में ढंगों की खोज करना और योजना आयोग को सफलतापूर्वक लागू करने के तंत्र को निर्धारित करना. तो कहते हैं कि जो वर्तमान समय है उस टाइम हमारे योजना आयोग के कौन से कार्य है कि देश की जो मानवीय भौतिक स्रोतों का अनुमान लगाना, देश में विद्यमान साधनों के प्रभावशाली साधनों को क्या विश्वसनीय बनाना, केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजना का निर्माण करना, देश की औद्योगिक विकास के लिए नियोजन करना, राष्ट्रीय विकास में लोगों का सहयोग प्राप्त करना और सामान्य योजनाओं को प्रकाशित करना और आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा तथ्यों का या पता लगाना और देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना के लिए क्या उचित वातावरण उत्पन्न करना. तो नेक्स्ट है बेटे जो योजना आयोग की जो कार्य प्रणाली थी. कहते कि योजना आयोग क्या है स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करता है. योजना आयोग का प्रमुख दायित्व है कि देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए क्या है योजनाओं का निर्माण किया जाए, सरकार की आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहायता करे. योजना आयोग का पद कहते संविधानिक नहीं है परंतु फिर भी इसका जो भारतीय प्रशासन में विशेष महत्व है. समय समय पर क्या होता है कि योग द्वारा सरकार को देश का आर्थिक विकास करने के लिए आवश्यक परामर्श दिया जाता रहा है. कहते हैं कि योजना योग क्या है एक परामर्शदाती संस्था है और इसका प्रमुख जो विकासशील इकाइयों के कार्यों में समन्वय उत्पन्न करना उद्देश्य इसका है. ये योजना बनाते समय विभिन्न संस्थाओं की सहायता भी लेता है और इसमें क्या करता है कि इसके अभाव में क्या योजना की सफलता असंभव है.
तो योजना योग राष्ट्रीय संस्था होने के कारण राष्ट्रीय समस्याओं और साधनों को सम्मुख रखते हुए योजना का क्या निर्माण करता है। और योजना योग का प्रमुख कार्य इकाई संभाग होती है। जब अब भी क्या योजना योग के लगभग क्या 25 महत्वपूर्ण संभाग है। तो इस प्रकार से क्या योजना योग क्या करता है कि हम ये चाहता है कि किस प्रकार से हमारे देश का क्या आर्थिक विकास हो, ताकि लोगों को स्त्री और इसमें लिखा हुआ है ना कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के प्राप्त साधनों को बराबर बराबर अधिकार हो। कि इसमें तक मेन लक्ष्य है कि जो हमारे देश की स्त्री और पुरुष है प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं कि आजीविका प्राप्त करने का क्या अधिकार होना चाहिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सही प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए, ताकि क्या है लोगों की हम हर मतलब उनकी जो आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो कहते हैं किस प्रकार से योजना योग हमारे देश में लागू हुआ, और योजना योग का मेन मकसद था कि हमारे देश की आर्थिक विकास अधिक से अधिक हो। तो ये था बेटे आज के लिए आपका ये टॉपिक योजना योग। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।